नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 39,567 की, और ये कल की क्लोजिंग से बैंक निफ्टी 136 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज किया है कल। और आज में खास बात ये है कि कल वाली कैंडल देखेंगे वो भी लगभग इनसाइड कैंडल क्लोज हुई थी, और आज वाली कैंडल देखेंगे तो कल के जो हाई और लो है उसके अंदर में आज हमने क्लोज किया है। तो यानी कंटिन्यू दो दिनों से हम यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना के ही बैंक निफ्टी में चल रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कल की एक्सपायरी एक अच्छी एक्सपायरी होनी चाहिए, लेकिन एक कंडीशन है, पूरी वीडियो को अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो कल फिर से आप ट्रैप होने वाले हो। जैसा कि आज मैंने सुबह सुबह आप लोग को बता दिया था कि आज आप ज्यादा कुछ करोगे तो आज ट्रैप होने वाले हो। बहुत सारे लोग आज ट्रैप हो गए और बहुत सारे लोग ट्रैप होने से बच गए। मैंने वो वीडियो बना के पहले ही डाल दी थी। मैंने क्लियर कट बताया था कि दो ही कंडीशन में हम ट्रेड करेंगे, अगर नीचे की तरफ 300 के आसपास आके वो एक डेढ़ घंटे सस्टेन करेगा और उसके बाद कोई रेंज बना के ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा तो ही हम ट्रेड करेंगे। तो वो कंडीशन बनी नहीं, तो बहुत सारे लोग ट्रैप होने से भी बच गए। क्योंकि देखो, अगर सिर्फ अब सिर्फ हर 5 मिनट की कैंडल को आप देखोगे कि वहां पे क्या बन रहा है कैसे बन रहा है तो आप यहां पे ट्रैप हो गए। क्योंकि मार्केट ने देखिए कल जो कैंडल बनाई है ना, आज उसी के अंदर में मार्केट ट्रेड किया है। दो दिन में देखा जाए तो दो दिन से ये इनसाइड कैंडल ही बैंक निफ्टी यहां पे बना के चल रहा है। तो चलिए देखते हैं कि कल किस तरह की मूवमेंट यहां पे हो सकती है। अब ध्यान रखिएगा, हमारे लिए ये जो हाई है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो हाई इंपॉर्टेंट है हमारे लिए 39,755 का, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कल के ट्रेड के लिए। ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस लेवल पे नजर बना के रखिएगा। ऊपर की साइड में काफी अच्छा मूवमेंट इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, ध्यान रखिएगा दो दिन से हम इनसाइड कैंडल बना रहे हैं, तो जब तक सस्टेन नहीं करेगा किसी लेवल के ऊपर हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करने वाले हैं। उसी तरह से नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे जो सपोर्ट है वो लगभग 300 के आसपास का यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, 39,300 के आसपास का सपोर्ट है। तो हम जिस साइड में कल निकलते एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें यहाँ पे मिलना चाहिए। ऊपर की साइड में जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस यहाँ पे 40,122 का, और नीचे की साइड में जो सपोर्ट मिलेगा वो सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है 38,750 38,800, ये हमें सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो देखते हैं कल किस तरीके की मूवमेंट होती है। कल हमारी मंथली एक्सपायरी भी है, तो नज़र बना के रखिएगा, एक्सपायरी में एक जबरदस्त मूवमेंट मिल सकती है। क्योंकि मार्केट कंटिन्यू तीन दिनों से मार्केट ने कुछ किया नहीं है, तो चांसेस ये है कि मार्केट कुछ अच्छा खासा अपसाइड या डाउनसाइड का एक ट्रेंड देगा, और ट्रेंडिंग मार्केट कल का होना चाहिए। तो हम इंतजार करेंगे अपने ट्रेंड का, अपने सेटअप का, तभी हम ट्रेड करेंगे। तो चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम एक्सपायरी के दिन में बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया, और 15 मिनट के चार्ट पे ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए हमारे लिए जो ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस एरिया जो दिख रहा है वो ये जोन है। इस जोन में ये रेजिस्टेंस है, इस जोन के आसपास हम जब भी पहुँच रहे हैं रेजिस्टेंस ले रहे हैं। नीचे की साइड में देखेंगे तो कंटिन्यू इस जोन में जब भी हम आते हैं 300 के आसपास बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा, कल के ट्रेड में भी हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर जल्दीबाजी के ट्रेड में आप फंसेगे तो आप यहाँ पे ट्रैप होंगे। एक चीज़ ध्यान रखना, कल हो सकता है कि बैंक निफ्टी सुबह कहीं इसी जगह पर ओपन हो, और ओपन होने के बाद जो आज के हाई को ये क्रॉस करके पहले आपको ट्रैप करे। ये ध्यान रखना कि 650 से लेकर के 755 ये जो जोन होगा पहले आपको ट्रैप करने के लिए हो सकता है कि मार्केट पहले यहां से ऊपर की साइड में निकले और फिर से ये नीचे की साइड में, और उसके बाद जब सेकंड हाफ सेकंड चांस जब ऊपर की साइड में निकलेगा तभी ये मोमेंटम सस्टेन होगा। ये ध्यान रखना, ऐसा मेरी एनालिसिस है। हो सकता है कि पहली बार में निकल के चला जाए और सस्टेन कर जाए, लेकिन मैं पहली बार में इसको ट्रेड नहीं करने वाला हूं। मैं इसको तभी ट्रेड करूंगा जब यहां पे कहीं पे जो ओपन होता है इसी जगह लेवल के आसपास, और ओपन होने के बाद ये 700-750 के आसपास जाके थोड़ा सा टाइम बिताए, यहां पे कम से कम आधे घंटे टाइम निकाल देना इस लेवल के ऊपर। देखिए, कंटिन्यू हम इस लेवल के पास जा रहे हैं, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिल रहा है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अपर एंड पे ही कहीं पे टाइम बिताए। यहाँ पे ये अगर टाइम बिता लिया ना 20-25 मिनट, इसने टाइम बिताने के बाद अगर ये ब्रेकआउट किया तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट मुझे लगता है मिलना चाहिए। 39,755 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो मेरा यहाँ पे टारगेट होगा 39,844 का, पहला टारगेट होगा। सेकंड टारगेट होगा 39,955 का, और थर्ड टारगेट मेरा होगा यहाँ पे 40,122 का। तो ये तीन टारगेट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर ये फर्स्ट मूव ओपन होने के साथ में निकल जाए मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं वेट करूंगा कि मार्केट जब यहां पे थोड़ा सा करेक्ट हो, करेक्शन होकर यहां पे आए, और यहां पे आने के बाद कोई टाइम बिताने के बाद अगर मूवमेंट करेगा तब मैं यहां पे बाइंग करूंगा। या फिर पहली कंडीशन क्या है कि मार्केट कहीं पे इसी जगह पे ओपन हो और इस जगह पे ओपन हो कि यहाँ पे जाके टाइम बिताए। यानी मार्केट को मुझे क्या चाहिए कि 650 और 750 या 600 से 700 के बीच में मार्केट को टाइम बिताने दीजिए। पहले भूल जाइए कि पहले मिनट में, पहले 10 मिनट में आपको ट्रेड करना, शांति से बैठे रहिए 600 और 700 के अंदर में, देखिए मार्केट क्या कर रहा है। 600 और 750, 600 और 700, इस रेंज में मार्केट को टाइम बिताने दीजिए। और टाइम बिताने के बाद अगर ये हाई को निकालेगा ना तो एक जबरदस्त मूवमेंट मिल सकती है। हो सकता है कि 750 का हाई ना बना के 600 और 700 के बीच में ही टाइम
टाइम पास करे और टाइम पास करने के बाद एक डेढ़ घंटे बाद ये ब्रेकआउट करे, तो मैं जैसे ही ब्रेकआउट करेगा मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा, वहाँ पे मैं इंडेक्स का 50 से 60 पॉइंट का एसएल रखूँगा। जैसे मेरा एसएल हिट होगा मैं यहाँ से निकल भी जाऊँगा, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मूवमेंट होनी है वो फास्ट मूवमेंट होगी, ऊपर की साइड में निकलेगा तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 150-200 पॉइंट का एक अच्छा खासा मूव ऊपर की साइड में देगा। अगर वो मूव सस्टेन नहीं करता और फेल होता है तो यह 50-60 पॉइंट का एसएल लेके मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, क्योंकि फिर शायद मुझे ये पुट साइड का ट्रेड लेके वापस ये नीचे की साइड में आता हुआ दिखे। अब मान लीजिए बैंक निफ्टी गैप अप ना ओपन होके, इस जोन में ना ओपन होके गैप डाउन ओपन हो जाए, और गैप डाउन ओपन होने के बाद ये यहाँ पे 39,300 39,250 से 350 के बीच में अगर ये कहीं पे टाइम बिताता है, और टाइम बिताने के बाद जिस साइड में ट्रेड करेगा, अगर ऊपर से ट्रेड करेगा तो मैं एक मोमेंटम प्ले करूंगा, पहला टारगेट यहाँ पे 500 और सेकंड टारगेट ये 650 का रहेगा, छोटी सी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड करूंगा। ध्यान रखिए अगर बीच में मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो क्वांटिटी मेरी छोटी होगी, अगर इसमें टाइम बिताने के बाद ये नीचे की साइड में ब्रेक करता है 39,255 तब मैं यहाँ पे एक मूव देखूंगा 39,144 का, और सेकंड टारगेट मेरा होगा 39,055 का, और थर्ड टारगेट होगा 38,888 का, ये टारगेट होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे टाइम बिताना चाहिए कम से कम एक घंटे डेढ़ घंटे का टाइम बिताने के बाद अगर नीचे ब्रेक करेगा गैप डाउन के बाद तभी मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा। अगर इसी फ्लो में आ रहा है इसको ब्रेक करा तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, कहीं पर भी जाने दूंगा, मैं छोड़ दूंगा। मुझे यहाँ पे टाइम बिताना चाहिए, देख लीजिए जब तक ये टाइम नहीं बिताएगा आप ट्रेड करोगे ना आप ट्रैप हो गए, मैंने आज भी बताया था और कल के लिए भी यही सिचुएशन है कि टाइम बिताएगा तो ही आपको पैसा मिलेगा, और सबसे बेस्ट मूव ये होगा ना कि इस जगह पे ये टाइम बिताए 600 और 700 की जोन में, जितना ज्यादा टाइम बिता दे, और टाइम बिताने के बाद ब्रेकआउट करेगा तो एक मूवमेंट तो यहाँ पे 100-150 पॉइंट का फिक्स है कि वो मूवमेंट फास्ट आएगा, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन देखिए पिछले दो दिन से जो भी पोजीशन बनी होगी ना राइटिंग, जिन्होंने राइट किया होगा, जिन्होंने कॉल राइट किया होगा, जिनको लग रहा होगा कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक नहीं करेगा, वो लोग अपनी पोजीशन को कवर करने आएंगे, और कल हमारी मंथली एक्सपायरी है तो एक्सपायरी मूव भी एक अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाके थोड़ी देर सस्टेन करता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट आपको यहाँ पे 150-200 पॉइंट का वो मूवमेंट देखने को मिलेगा, और वही मूवमेंट सबसे अच्छा पैसा बना के देगा ऑप्शन बायर को। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिएगा, जितना ज़्यादा यहाँ पर टाइम बिताएगा, टाइम बिताने के बाद निकलेगा तो हमें अच्छी खासी मूवमेंटम यहाँ पर मिलेगी। अब मान लीजिए जैसे मैं क्लोजिंग हमारी 550 की है और ये गैप अप ओपन हो गया 800 के आसपास, तो फिर मैं यहाँ पे वेट करूंगा प्राइस एक्शन का, देखूंगा प्राइस एक्शन किस तरीके का बनता है, फिर मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा अप एंड डाउन साइड में। मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप मिल जाए 300-400 पॉइंट का गैप अप अगर मिल गया तो फिर मैं वेट करूंगा प्राइस एक्शन और रेंज का, बिना रेंज के मैं ट्रेड नहीं करने वाला हूं, चाहे मार्केट कहीं भी जाए। मार्केट ओपन होने के बाद वो 2000 पॉइंट ऊपर चला जाए मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मार्केट ओपन होने के बाद मेरी रेंज में मेरे सेटअप में बैठेगा तो ही मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो यहाँ पे पैसा जाने वाला है आप लोग का। तो नजर बना के यहाँ पे रखिएगा, जबरदस्ती के ट्रेड मत ढूंढिएगा। सुबह सुबह मैं एक वीडियो जरूर डालूंगा गैप प्री ओपनिंग के बाद में, मैं एक वीडियो बना के आर्ट अपडेटिंग वाले चैनल पे डालूंगा और अपने ऐप पे भी डालूंगा, तो उस वीडियो को जरा एक बार खाली देख लीजिएगा कि मेरा व्यू वहां पे क्या है। मैं अपने व्यू को वहां पे पोस्ट करता हूं, मैं आपको ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता हूं, वहां पे व्यू पोस्ट करता हूं, आप लोग को सिखाने समझाने जो माइंड सेट है साइकोलॉजी है ट्रेडिंग की वो डेवलप करने की कोशिश करता हूं, तो उसको आप देखते रहिए सीखते रहिए और समझते रहिए। मैंने बहुत सारी वीडियो कैंडल स्टिक सपोर्ट रजिस्टेंस और साइकोलॉजी की ऑलरेडी डाल दी है, तो उसको भी देखिए सीखिए और समझते रहिए। ध्यान रखिएगा इसके बीच में आपको कोई कैंडल स्टिक भी काम नहीं करेगी, कोई स्ट्रेटजी भी काम नहीं करेगी, इस बीच में हमें कोई स्ट्रेटजी भी अप्लाई नहीं करनी, ये भी ध्यान रखना पड़ता है आप लोग को कि 920 हो गए 220 हो गया, इसके बीच में मैं कुछ भी अप्लाई नहीं करने वाला हूं, इसके ऊपर या नीचे निकलेगा सारी स्ट्रेटजी मेरी काम करनी स्टार्ट होगी। जब भी मार्केट रेंज के अंदर में फंसा हो ना तो वहां पे कोई स्ट्रेटजी जबरदस्ती के ट्रेड आप लोग मत ढूंढिए। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।